हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार, वेलकम है माय यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको पार्ट वन दिखाया था कि किस तरह से ये ट्रस्ट बांधा जाता है, कैसे टिकाया जाता है इसका सपोर्टिंग। तो नहीं बताया था पार्ट टू देखने के लिए। इसमें आप सभी को मैं बताऊंगा इस पर कपड़ा कैसे लगाया जाता है, और इसकी सपोर्टिंग के लिए मैं आप सभी को बताऊंगा इस पर सपोर्टिंग कैसे दिया जाता है। मैं सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जो है ट्रस्ट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आप सभी को इस पर मैं बताऊंगा कि कपड़ा कैसे लगाया जाता है, इसका सपोर्टिंग कैसे लगाया जाता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, अभी तक जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें, तो आप मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं आपका समय गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हाफ डी का है, जो ये पूरा कम्प्लीट हो चुका है। बस इसमें कपड़े का काम करना है। तो पार्ट वन में आप सभी लोग ने देखा ही है कि ये किस तरह बांधा जाता है, किस तरह इसको सब कुछ मैं पार्ट वन में मैं आप सभी को दिखाया हूँ। ये पार्ट टू है, इसमें आपको सीखने को मिलेगा ये कि इस पर कपड़ा कैसे चढ़ाया जाता है, इस पर हाफ एप्पल कैसे बनता है। तो प्लीज़ अभी तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी को जो नहीं फॉलो किया, जाइए इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं न्यू फोटोज वीडियोस डालता रहता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अब इसको कपड़ा मैं लगाने के लिए स्टार्ट कर चुका हूँ। तो ये हमारा गुलाबी कपड़ा, इस तरह से मैं इस कपड़े को ऐसे ही बांधना पड़ता है। फैला लीजिए पहले इस तरह से, ऐसे कपड़े को पहले मैं शुरुआत में हाफ एप्पल को मैं पहले बांधूंगा इसकी ट्रस्ट, राउंडिंग ट्रस्ट पे पहले मैं कपड़ा चढ़ाऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये कपड़ा बांधा जाता है। अभी लोग, अभी मेरे चैनल पे बहुत सारे नए फ्रेंड हैं, नए लोग हैं जो अभी तक कपड़ा बांध नहीं पाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, आप वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी जब तक मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप भी मेरे यूट्यूब फैमिली में जुड़ जाइए, और आपको भी ऐसे न्यू अपडेट न्यू जानकारी मिलता रहेगा, तब आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा ये ट्रस्ट है जो हाफ राउंडिंग 4 फीट का है ये। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं आप सभी को इस पर कपड़ा कैसे लगता है मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से इसको पहले बांध कर, और इस पर अब एक साइड से बांध लिया जाता है, उसके बाद उसको तार से पिन किया जाता है। किस तरह से पिन किया जाता है मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से इसको कपड़े को पहले अंदर कर लिया जाता है, उसके बाद इस तरह उसको चढ़ा कर ऐसे, देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ऐसे आकर इसको चढ़ाकर ऐसे पिन किया जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा तार है, और तार कपड़े में ऐसे इसको लगाकर पिन किया जाता है। जो ये जो तार है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से आपको 130 120 का किलो का मिल जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये एक साइड का ये हम पिन कर चुके हैं, अब आएंगे बीच से करेंगे इसको पिन पूरा। ये हाफ राउंडिंग का जो 4 फीट का हाफ राउंडिंग है, इस पर आप लोग देखेंगे दोस्तों ये हाफ एप्पल कैसे बनता है, इसके बारे में कुछ सीखेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, तभी आप लोग कुछ सीख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, कुछ जानकारी पा पाएंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये कपड़े पे इसको कपड़े को टाइट किया जाता है, कपड़े को पिन किया जाता है। अभी मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनको अभी राउंडिंग पे कपड़ा नहीं चढ़ाने आता है, कपड़े को नहीं सेट कर पाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, आप लोग बहुत ही कुछ नया सीखने वाले, कुछ जानने वाले हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से इसको पिन कर लिया जाता है। और भी कुछ जानना, कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही मेरे चैनल पर कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को फुल डिटेल में ऐसे ही वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये पार्ट टू है, पार्ट वन में आप सभी को मैं दिखाया था ये
कैसे बांधा जाता है, कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है। तो ये पार्ट वन जो भी अभी तक मेरे चैनल पे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट वन का लिंक डाल रखा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से इसको बांधा जाता है, किस तरह से इसको सेट किया जाता है, सब कुछ मैं डिटेलिंग वीडियो में बनाकर डाल चुका हूँ। तो जाइए दोस्तों जो अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को लास्ट तक देखकर फिर सेकंड वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा ये कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट पिन बचा है, लास्ट पिन करना है बस। इसके बाद मैं आप सभी को मैं सिखाऊंगा कि हाफ एप्पल कपड़ा कैसे पहना जाता है, इसको लगाया जाता है। बहुत सारे मेरे चैनल पे कमेंट आ रहे थे कि हाफ एप्पल कैसे बनता है और इसकी कपड़ा कैसे सेट किया जाता है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, मैं सब कुछ सिखाऊंगा आप लोगों को। और भी कुछ सीखना कुछ समझना है तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल पे ढेर सारे कमेंट करा करिए। आप लोग का पार्ट वन में बहुत सारा प्यार मुझे मिला, इसी खुशी में मैं पार्ट टू भी बना दिया। वैसे भी आप नहीं सपोर्ट करते फिर भी मैं बना देता हूँ, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलता रहा इसीलिए मैं आपको पार्ट टू लेकर मैं आ चुका हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही पार्ट टू देखने के लिए ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा, चैनल पर छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। मैं आप सभी को पार्ट टू फुल डिटेलिंग वीडियो बना रहा हूँ। और भी कुछ जानना कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर कुछ सीखना कुछ समझना चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों इस तरह से हमारा जो है वाइट कपड़ा ये हाफ एप्पल बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब तार से इसको पिन करेंगे हम। तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह से इसको पिन किया जाता है। इसी के बारे में मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसके कैसे इसको बनता है। तो देख लीजिए दोस्तों इसी तरह से ये पूरा बनता है, इसी तरह से इसको पिन किया जाता है, इसी तरह से इसको लगाया जाता है। जैसे हम एक कपड़े को डबल करके इसको मैं बांधूंगा, तो अगर चाहें आप सिंगल कपड़ा भी सिंगल बाई सिंगल सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही कपड़ा पे डबल करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही कुछ देखना कुछ सीखना कुछ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। तो देख लीजिए मैं आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरह से इसको कपड़ा सेट किया जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों एक साइड एक साइड का मैं पिन कर चुका हूँ। जब एक पिन हो जाता है उसके बाद दिक्कतें नहीं होती हैं, उसके बाद धड़ाधड़ होता है उसमें, उसके बाद टाइम नहीं लगता है सेट करने में। जब एक बार सेट हो जाता है उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देख लो दोस्तों ये हमारा दूसरा भी पिन हो चुका है। अब इस तरह से ये सारे कपड़े पिन हो जाएंगे तब आप जाकर आप एप्पल बना सकते हैं हाफ एप्पल। तो प्लीज़ दोस्तों देख लीजिए बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसको बनाया जाएगा। तो इसी तरह से ये देख लीजिए दोस्तों इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट किया जाता है, हाफ एप्पल ऐसे ही बनता है। मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसका कपड़े सेट करने के लिए। तो प्लीज़ दोस्तों देख लीजिए दोस्तों इसी तरह से ये पूरा, अगर चाहें आप इसको गेट पे भी लगा सकते हैं, स्टेज पे भी लगा सकते हैं, अगर चाहें तो आप खाने वाले स्टॉल पे भी लगा सकते हैं। अगर आप फुल एप्पल का मंडप बनाना चाहते हैं तो मंडप भी बना सकते हैं इसी तरह से। इसको कहीं भी आप अगर चाहें यूज कर सकते हैं, गेस्ट हाउस में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी अगर आप चाहें तो फुल एप्पल बनाकर गेस्ट हाउस में भी यूज कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो स्टेज पे भी यूज कर सकते हैं फुल एप्पल बनाकर, स्टेज भी स्टेज वाला फुल एप्पल तो आप लोग देखे ही होंगे। और मेरे सारे मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट भी आते थे
कि फुल एप्पल कैसे बनता है। तो मैं फुल एप्पल में आप सभी को, अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं फुल एप्पल भी बनाकर मैं आप सभी को सिखाऊंगा किस प्रकार बनता है, किस प्रकार से ये सेट किया जाता है। तो मैं सब कुछ आप सभी को डिटेल में बताऊंगा, मगर कब बताऊंगा, जब आप लोग मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि मैं आपकी कमेंट का वेट करता हूँ। और जिसका कमेंट आएगा उसके नाम से मैं वीडियो बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी के नाम से, सबसे पहले जिसका कमेंट आएगा उसी के नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा कि भाई इनका कमेंट आया है इनके नाम से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट करिएगा, जो पहले कमेंट करेगा उनके नाम का मैं वीडियो बनाकर दिखाऊंगा सबको। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा हाफ एप्पल जो है तैयार हो चुका है, बस एक पिन करना और बाकी है, उसके बाद ये हाफ एप्पल का कपड़ा जो है टाइट हो चुका है, बस थोड़ा देर की बात और है। तो प्लीज़ दोस्तों तो देख लीजिए, इस तरह से मैं इसको अब खड़ा कर दे रहा हूँ, अब आपको सामने से पूरा अच्छे से दिखेगा। और मैं आप सभी को पार्ट थ्री में, मैं आप सभी को फूल, अगर पार्ट थ्री देखना है आपको फूल का काम कैसे इस पे फूल लगा जाता है, पार्ट थ्री में मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो पार्ट थ्री देखने के लिए मेरे चैनल पे ढेर सारे कमेंट करिएगा, और जो पहले कमेंट करेगा मैं उसके नाम से पार्ट थ्री वीडियो बनाऊंगा और उसका नाम दूंगा इस वीडियो में। तो मैं पार्ट थ्री देखने के लिए मैं आप सभी को इसका बागवानी करने के लिए, इन फूल बनाने के लिए, इसके बास्केट कैसे लगता है, इस पे फूल कैसे लगाया जाता है, ये लुक कैसे लगेगा, मैं आप सभी को सब कुछ डिटेलिंग वीडियो बनाकर दिखाऊंगा पार्ट थ्री में। और इसकी सपोर्टिंग की बात है, जैसे स्टेज पे हुआ या मंडप के लिए सपोर्टिंग की बात हुई या गेट की सपोर्टिंग की बात हुई, तो मैं सब कुछ इसी वीडियो में मैं सपोर्टिंग में बताऊँगा कि इसको सपोर्ट कहाँ से दिया जाता है, कैसे रोका जाता है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारे इसके भी कमेंट आ रहे थे, सपोर्ट कैसे दिया जाता है या स्टेज हुआ, आपको सपोर्ट बस देने के लिए सीख जाना है, क्योंकि सपोर्ट कैसे भी दें, किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट देना है तो एक जैसा ही सपोर्ट होता है सब हर चीज़ का, जैसे स्टेज का सपोर्ट हुआ या गेट का सपोर्ट हुआ या किसी भी प्रकार का सपोर्ट हुआ, जैसे आपका स्टॉल का सपोर्ट हुआ, तो वैसे ही पाइप लगाकर सपोर्ट किया जाता है। तो देख लीजिए, तो मैं आप सभी को पहले ट्रस्ट पे कपड़ा लगाकर चढ़ाकर दिखा दूं। और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे भी फ्रेंड हैं जो अभी तक ट्रस्ट पे कपड़ा भी बनने नहीं आता है, तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मैं आप सभी को इसमें कपड़े भी ट्रस्ट पे बांध कर दिखाऊँगा किस तरह ट्रस्ट पे कपड़ा बांधा जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये मेरा कपड़ा बांध चुका हूँ ऊपर से, और नीचे से ये अभी मैं टाइट कर दूँगा, लेकिन पहले तो मैं पाइप लगाऊंगा ना बीच में कपड़ा टाइट करने के लिए। तो पाइप कैसे बांधा जाता है नीचे बीच में कपड़ा लगाने के लिए, तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये पहले बांध लिया जाता है नीचे पाइप। अगर नीचे पाइप अच्छे से बांधे रहेंगे तो फिर बीच में कपड़ा लगा सकते हैं ना, आप बीच में कैसा कपड़ा लगाना चाहते हैं, डबल कपड़ा मारेंगे तो ज़्यादा चुन्नट होगा, अगर एक कपड़ा मारेंगे तो कम चुन्नट होगा, शाइनिंग आएगा, एक कपड़े में प्लेन पूरा दिखेगा, आपको प्लेन बनाना है प्लेन बनाइए, अगर ज़्यादा चुन्नट चाहिए तो डबल कपड़ा मारिए, अगर सिंगल मारेंगे तो सीधा प्लेन दिखेगा आपको। तो ये हमारा, ये पहले हम पाइप इसको बांध लिया जाए कि इसी पे कपड़ा टाइट करना है, क्योंकि अगर इसको बांधे रहेंगे, इसको भी थोड़ा ध्यान से बांधिएगा मजबूती से, क्योंकि ये अगर मजबूती से नहीं बांधेंगे तो ऊपर सरक सकता है, ऊपर जा सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही ध्यान से इसको बांधिएगा कि ऊपर ये सरक के ना जाए, अगर आप ट्रस्ट में बांधेंगे, सिंगल ट्रस्ट में बांधेंगे फ्रंट पे, तो ये ऊपर सरक के जा सकता है, अगर ऐसे ही इस तरह से बढ़ा कर बांधेंगे तो कोई चांस नहीं है ऊपर जाना इसका। तो मैं एक साइड से कंप्लीट कर चुका हूँ, अब दूसरे साइड से मुझे बांधना है,
तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक साइड से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस दूसरे साइड से बांधना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये ट्रस्ट की चौड़ाई एंड लंबाई, ये तो लंबाई आपकी जान ही रहे 5 फीट का है, इसकी चौड़ाई जो है 4 फीट की है, और ये ट्रस्ट की जो है टोटल ये 10 इंची अंदर अंदर बनता है, और ये पूरा कंप्लीट 5x4 का है, 5x4 का ये पूरा, ये हाफ एप्पल है 5x4 का। तो देख लो दोस्तों, इस तरह से मैं इस पाइप को भी टाइट कर दे रहा हूँ कि ये कपड़ा मारने में कोई दिक्कत ना हो, ये ऊपर ना सरके, ना नीचे जाए ना ऊपर सरके, इसीलिए दोस्तों मैं इसको ऐसे बांधना पड़ता है। तो देख लो दोस्तों, इस तरह से इसको बांध कर आप बीच में कपड़ा लगा सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये पूरी तरह से ये कंप्लीट होने वाला है, ये हमारा टाइट हो चुका है ये पूरी तरह से। अब मैं पहले इस पर कपड़ा लगा दूँ ट्रस्ट पे, क्योंकि ये ट्रस्ट अभी पे कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले मैं इस ट्रस्ट को कंप्लीट कर दूँ, फिर उसके बाद बीच में कपड़ा लगाऊंगा, फिर उसके बाद हाफ एप्पल को रेडी करूंगा, क्योंकि एक सिरता से एक लाइन से लगाने काम करने में मज़ा है, जो इधर उधर के काम करने में नहीं। अगर आप एक सिरता से एक लाइन से काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इधर उधर काम करते हैं तो फंस जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसे ही एक रूटीन से काम करते रहिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये ऊपर मैंने कपड़ा बांध चुका हूँ, अब नीचे से इसको टाइट करूँगा कि बीच में कहीं चुन्नट न लगे कपड़े में, शाइनिंग रहे। तो शाइनिंग रखने के लिए इस तरह से इसको कपड़ा नीचे से खूब सॉलिड बांध लेना चाहिए, और अगर आपको ऊपर जा रहा है बांधने में तो क्या है, ऐसे इसको पहले बांध लीजिए, फिर उसके बाद ट्रस्ट के एक कोने में कहीं फंसा दीजिए। ऐसे फंसा देंगे, देखिए दोस्तों इस तरह से, अगर आप फंसा देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर जो कपड़ा बच रहा है उसको अंदर कर दीजिए, इस तरह से ये पूरा अंदर कर दीजिए, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से आप सारा कपड़ा ऐसे नीचे खींच देंगे तो कहीं से ये चुन्नट आपको नहीं दिखेगा, आपका जो है ट्रस्ट की शाइनिंग जो है एकदम मस्त लगेगी, गजब का लुक लगेगा, एकदम शाइनिंग लगेगा, कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये पूरे ट्रस्ट पे शाइनिंग रहेगा। तो आइए दोस्तों, मैं एक साइड का कंप्लीट कर चुका हूँ, अब दूसरी साइड से मैं फिर से मैं आप सभी को बांध कर दिखा दूँ किस प्रकार से ये बांधा जाता है। देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से इसको ट्रस्ट पे ऐसे बांध लिया जाता है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चुन्नट दिख रहा है ट्रस्ट पे, तो इस तरह से आप अगर पूरे ट्रस्ट को नीचे से लेकर बांधेंगे तो ये कहीं से नहीं जाएगा, ये आपका मजबूती हो जाएगा, आपका मजबूती भी हो जाएगा, आपका कहीं से ये चुन्नट भी नहीं दिखेगा। तो देख लो दोस्तों, इस तरह से इसको बांधा जाता है, जो ये पूरा आपका जो ट्रस्ट की शाइनिंग जो है बनी रहेगी, खूबसूरती बनी रहेगी। तो देख लो दोस्तों, इस तरह से ये अब ये पूरा जो मैं आपसे बोला था, सारा जो कपड़ा बच रहा है उसको अंदर खींच के कर लीजिएगा कि ये आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को कपड़ा लगा कर दिखा दूँ किस तरह से ये बैकग्राउंड कपड़ा मैं आप सभी को लगा कर दिखाऊँगा किस तरह से ये लगता है। तो ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट है, किस तरह ये लग रहा है, ये हाफ एप्पल, अभी तो सारा कपड़ा इधर ही कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं बैकग्राउंड दिखा दूँ आपको किस तरह से ये लग रहा है, किस तरह का इसका लुक है, बीच का कपड़ा भी नहीं लगाया हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ये ट्रस्ट पे सारा कपड़ा मार चुका हूँ मैं, बस यही है बीच का कपड़ा लगाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब बीच का कपड़ा लगाने के लिए रेडी कर रहा हूँ, अब मैं ये बीच का कपड़ा मैं लगाऊंगा। तो देख लो दोस्तों, इस तरह से ये बीच का कपड़ा लगाया जाता है, किस तरह से लगाया जाता है। अगर आप पाइप नहीं मारेंगे फिर भी आप लगा सकते हैं ट्रस्ट पे ही ऐसे ही कपड़ा, अगर चाहें तो
नहीं तो आप पाइप बांध कर भी कपड़ा मार सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्रेंड हैं जो पाइप लगाकर कपड़ा भी लगाते हैं, लेकिन आपके ऊपर है। आप अगर पाइप मारेंगे तो और भी सही रहेगा, अगर नहीं मारते हैं तो भी सही रहेगा। तो देख लो दोस्तों, इस तरह से ये बहुत सारे फ्रेंड को हमारे कपड़ा भी नहीं बांधने आता है। तो इस तरह से देख लो दोस्तों, इस तरह से इसको कपड़े को टाइट किया जाता है। आपको ना ज़्यादा तार लगेगा ना ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसी तरह से आप लाकर बीच में बांध सकते हैं, तो ना आपका ज़्यादा तार लगेगा ना आपका ज़्यादा कपड़ा नुकसान होगा। ना ज़्यादा तार मारना पड़ेगा ना आपको ज़्यादा जाम करना पड़ेगा, दिक्कत होगा। तो इसी तरह से ये हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये मैं सिंगल कपड़ा मारा हूँ, फिर भी मैं चुन्नट इसमें बनाऊँगा, क्योंकि जो है इसकी एरिया जो है 3 फीट का, ये पूरा 3 फीट का होगा। ये हमारा 3 फीट का होगा, क्योंकि ये सारा उधर भी और इधर भी से भी, फिर भी इसमें ये मैं जो कपड़ा लगाया हूँ, ये पीला कपड़ा लगाया हूँ, चिमकी वाला जो है, ये चिमकी वाला कपड़ा। अगर चिमकी वाला कपड़ा लगा रहे हैं इस पर लाइट पड़ेगा, ये पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग कपड़ा है। इस पर अगर कोई भी लाइट पड़े तो ये चमकता है, इसमें लाइट ऑलरेडी जैसे लगा रहता है। तो देख लो दोस्तों, ये हमारा पूरी तरह से, ये पीछे से ये पूरा हिस्सा तैयार हो चुका है। मैं अब आप सभी को मैं सामने से इसका जो है हाफ पेपर मैं आप सभी को बनाकर दिखाऊंगा। तो पहले देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा हाफ पेपर है। मैं अब आप सभी को मैं हाफ पेपर बनाकर दिखाऊंगा। तो अभी तो फ्रंट से देख लीजिए किस तरह से इसका लुक लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को मैं अब इसको बनाकर मैं आप सभी को दिखा दूँ। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये अब मैं इसको कपड़ा को हाफ एप्पल बनाने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं अब हाफ एप्पल बनाऊँगा। तो इसी तरह से जो कपड़ा आपका जो सामने से लटक रहा था, इस तरह से इसको पीले पीछे कर लीजिए, और इसके बाद ये ऐसे ही इसको छोटा बड़ा करके सेट कर लीजिएगा। तो अभी तक जो भी इसके कपड़ा के सेटिंग के बारे में नहीं जाने हैं, तो सब कुछ ऐसे ही वीडियो पे बने रहेगा, मैं सब कुछ आप सभी को बताऊंगा एंड सिखाऊंगा भी। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से ये पहले साइड से आ जाइए, मैं आप सभी को साइड से दिखा दूँ कि इस तरह से इसको कपड़े फैलाया जाता है। तो इस तरह से ये पूरा कपड़ा पहले फैला दिया जाता है, सीधा कर लिया जाता है, कि मतलब दिक्कत ना हो आगे से फैलाने में एंड गिराने में। ये अगर सीधा से रहेगा तो सीधा सीधा गिरेगा, आपका जो है हाफ पेपर अच्छे से बन जाएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, इसी तरह से ये हमारा हाफ पेपर बस चंद मिनट में ये तैयार हो जाएगा। इतना ध्यान दें दोस्तों, ये साइड का जो हैपल है, साइड का जो कपड़ा है उसको थोड़ा इतना लटकने दीजिएगा कि ज़्यादा ऊपर ना दिखे, बराबर से दिखे। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से इसको कपड़े को, अगर कहीं से कपड़ा बढ़ रहा है उसको मोड़कर बांध भी सकते हैं, तार से पिन कर सकते हैं। और ये हमारा हाफ पेपर बस तैयार हो चुका है। मैं पीछे से थोड़ा कपड़ा को सेट कर दूँ, किस तरह से ये सेटिंग कर दूँ कि मतलब दिक्कत ना हो। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ये सब। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा जी हाँ बस रेडी हो चुका है। बस देख लीजिए दोस्तों, ये बस हमारा ये पूरी तरह से ये हाफ पेपर बन के तैयार हो चुका है। इस हाफ एप्पल के बारे में कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमारा हाफ एप्पल ये कैसा लगा, और भी कुछ इस वीडियो में जानना चाहते हैं। मैं आप सभी को बताया हूँ ना
कि इसकी फूलिंग फूल इसका बागवानी एंड फूल कैसे लगाया जाता है मैं आप सभी को तीसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तो पार्ट तीसरा देखने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को मैं पहले तो मेरे चैनल पे कमेंट करना है, फिर उसके बाद जो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप लोग मेरे जो है YouTube फैमिली में जुड़ जाइएगा। YouTube फैमिली का मतलब जुड़ने के बाद मैं आपको पर्सनल ग्रुप में भी सिखाता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सिखाता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ने के लिए तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करिएगा, अपना नंबर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, तो मैं आप सभी को मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पे मैं डेकोरेशन सिखाता हूँ मैं आप सभी को वहाँ पर व्हाट्सएप पे मैं आप सभी को सिखाऊंगा, व्हाट्सएप पे भी सिखाऊंगा, यूट्यूब पे तो मैं जैसे भी सिखाता हूँ वैसे मैं व्हाट्सएप पे मैं आप सभी को सिखाऊंगा। तो देख लीजिए ये हमारा हाफ पेपर पूरी तरह से ये रेडी हो चुका है। और भी कुछ इसके बारे में जानना कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल पर कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को फुल डिटेल में सिखाऊंगा एंड बताऊंगा भी। और मैं आप सभी को बता रहा था ना पार्ट थ्री, तो पार्ट थ्री देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पर ढेर सारे कमेंट करिएगा, मैं पार्ट थ्री भी मैं आप सभी को बनाऊंगा। तो पार्ट थ्री में क्या बनाऊंगा मैं आप सभी को बता दूं पहले कि इसके कपड़े के बारे में, इसके तो कपड़ा तो कम्प्लीट हो चुका है, बस इसमें क्या है पार्ट थ्री में ये दिखाऊँगा मैं आपको इसमें फूल कैसे लगाया जाता है, इसको फूल कैसे सेट किया जाता है। तो मैं पार्ट थ्री में मैं आप सभी को इसका बागवानी मीन इसका फूल लगाकर मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो ये क्या है थोड़ा एरिया कम है इसी की वजह से आपको ज़्यादा ये, फिर भी कपड़े के बीच की जो चुन्नटें हैं बहुत ही शाइनिंग लग रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हाफ एप्पल आपको कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर आप बताएंगे तभी तो मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। तो देख लो दोस्तों ये हमारा पूरा पीछे का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है, किस तरह से ये लग रहा है। तो देख लो दोस्तों आप अगर चाहें तो आप ये पूरा बैकग्राउंड पूरा ए टू जेड ये हमारा पूरा पीछे का हिस्सा है, किस तरह से कपड़ा टाइट किया है गया है सब कुछ ये आपको पीछे से ऊपर से दिख रहा है। तो मैं चलिए दोस्तों मैं आप सभी को एक चीज़ और सिखा दूँ, मैं आप सभी से बताया था इसकी सपोर्टिंग के बारे में। तो देख लीजिए दोस्तों मैं आज आप सभी को इसकी सपोर्टिंग आप या गेट का सपोर्टिंग हो या स्टेज का सपोर्टिंग हो टोटल सपोर्टिंग ऐसे ही दिया जाता है। ये पाइप हमारा और ये इस तरह से इसको ट्रस्ट पर रख कर ट्रस्ट पे जो भी ट्रस्ट जो आप बांधते हैं गेट बांधते हैं या स्टेज बनाते हैं तो हर चीज़ का सपोर्टिंग ऐसे ही दिया जाता है। अगर ज़्यादा आपको डर लगता है मतलब गिरने का चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों पहले आप ऐसे मत बनाइएगा, पहले सपोर्टिंग दे दीजिएगा तभी सारा कपड़े का काम कर लीजिएगा। पहले ट्रस्ट हो आपको खड़ा कर लेना है फिर उसके बाद सारा फिर सपोर्टिंग कर लेना फिर उसके बाद सारा कपड़ा पहनाना है, क्योंकि जब सपोर्टिंग रहेगा पूरी तरह से ये बन जाएगा आपका सपोर्टिंग हो जाएगा पूरी तरह से ये सॉलिड हो जाएगा कि गिरने का ज़रा सा भी चांस ना रहे। तो ये एक साइड से मैंने बांध रखा है ट्रस्ट में मैंने बांध दिया, अब मैं इस छड़ में भी बांध दूँगा जो भी है आपको जहाँ पर भी मिले। अगर ये ऐसा नहीं है तो आप एक सरिया ले लीजिए, अगर ये आप उसको गाड़ कर उसमें ये पाइप बांध सकते हैं ये एक तरह से वो भी सपोर्टिंग बहुत ही अच्छा होगा, मजबूती रहेगा उसमें भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो देख लो दोस्तों ये हमारा फुल सपोर्टिंग ये हो गया मान लीजिए। अब ये कुछ भी अगर कोई ढकेलेगा अभी तब भी ये स्टेज नहीं गिरेगा, ये हमारा गेट भी नहीं गिरेगा। ये देख लो दोस्तों इस तरह से इसको बांध दिया जाता है मजबूती से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से ये मैंने बांध लिया है तो ये हमारा पूरा सॉलिड हो गया है। और आइए दोस्तों इस तरह से इधर भी मैंने बांध लिया है कि ये ज़रा सा भी हिले ना, हिलाने के बाद भी कोई दिक्कत ना है या
कोई आपको डर ना रहे। तो जब ये बंधा जाएगा ये पूरी तरह से ऐसे, तो आपको किसी प्रकार का दिक्कतें नहीं होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा पूरा दूर से मैं आइए सब्जी आपको दिखा दूँ दूर से किस तरह से ये लग रहा है। अगर आप इसको ढकेलना भी चाहें तो भी नहीं गिरेगा। अगर इस साइड से भी आप सपोर्ट लगाना चाहें तो इस साइड से भी लगा सकते हैं। अगर बड़ा स्टेज बना रहे हैं या बड़ा गेट बना रहे हैं तो फिर भी आपको सपोर्ट देना है। तो अभी के लिए दोस्तों बाय, एंजॉय माय वीडियो, फिल्म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए गुड बाय।